आपने ऐसे बहुत सारे YouTube पर वीडियोस देखे होंगे जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नासा 2025 में एक सन फ्लेयर आने वाला है, मतलब सूरज से निकलने वाला एक ऐसा तूफान आने वाला है जो इस धरती से इंसानों का खात्मा कर देगा। तो आखिर क्या है ये सोलर फ्लेयर, ये कैसे इस धरती पर तबाही मचाएगा और हम इंसान इसका मुकाबला कैसे करेंगे? और हम ये भी जानेंगे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है कि सूरज की वजह से 2025 में धरती पर से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। तो 2025 में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स तो नहीं आने वाला, लेकिन सन अपोकलिप्स जरूर आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हम चलने वाले हैं 2025 में आज के तगड़े वीडियो में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो एकदम सच है कि ईयर 2025 में एक सोलर फ्लेयर धरती पर आएगा, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन अभी ये जो सोलर फ्लेयर आने वाला है, ये इतिहास में आ चुके फ्लेयर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम आगे जानेंगे ही, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि इतिहास में जो सोलर फ्लेयर्स आए थे वो हमारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सके, और इनसे हमारी रक्षा आखिर की किसने? तो देखो, हमारी रक्षा की धरती माता ने। बेसिकली जो अर्थ है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पिछले जितने भी सोलर फ्लेयर्स थे वो इंसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हुई, कम्युनिकेशन के कुछ डिवाइसेस में फॉल्ट भी आए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी तबाही नहीं हुई जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर से लोग डरने लगे। लेकिन अब 2025 में ऐसा कुछ होने वाला है जो वाकई डराने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नासा अब हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें नहीं बचा पाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अपोकलिप्स आने वाला है? और इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा सूरज पर। सच में नहीं चलना है, सच में तो जाएंगे तो जल जाएंगे। बेसिकली हर 11 साल में एक सोलर फ्लेयर सूरज से धरती की तरफ आता ही है, और उसके पीछे का रीजन है सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस। एक्चुअली हर 11 साल में सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली फ्लिप होती है, जिसकी वजह से सूरज की सरफेस पर बहुत सारी सोलर एक्टिविटीज भी होती है, और इन सोलर एक्टिविटीज की वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे कहा जाता है सोलर मैक्सिमम। द सोलर मैक्सिमम इज अ पीरियड ऑफ टाइम During which the sun experiences peak solar activity and its magnetic field reaches its strongest and the most disordered dynamic point. अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो सोलर मैक्सिमम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड पॉइंट पर होती है, और इस पूरे डायनेमिक्स की वजह से एक सोलर फ्लेयर धरती की तरफ बुलेट की स्पीड में आती है। बुलेट से मेरा मतलब वो रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट नहीं, बुलेट की स्पीड तो वैसे ही बहुत कम होती है। ये तो मैंने बस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। सोलर फ्लेयर की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो होते हैं 20 से लेकर 2000 किलोमीटर पर सेकंड। अब इतनी स्पीड से तो बंदूक की गोली, मतलब एक्चुअल वाली बुलेट भी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये तो था पूरा विज्ञान के आखिर सूरज पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर धरती की तरफ आती है। अब स्पेस से निकलकर चलते हैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ, क्योंकि ईयर 1859 में भी एक ऐसा ही पावरफुल सोलर फ्लेयर धरती पर आया था, और उस टाइम के लोगों के पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वो लोग इस सोलर फ्लेयर के बारे में पहले से प्रेडिक्शन कर पाते, और इन्हीं सब के चलते वो सोलर फ्लेयर ने अच्छी खासी तबाही मचाई थी। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि धरती बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, सब लोग जलकर राख हो गए थे, पूरे समंदर का पानी गर्मी से वेपोराइज्ड हो गया था। ये सब तो हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता है। उस टाइम सोलर फ्लेयर आने से रात के समय में भी इतनी रोशनी हो गई थी कि बहुत सी जगह पर जो लोग माइंस में काम कर रहे थे वो रात में 1 बजे उठ गए, ये सोच करके सुबह हो गई और अपने काम पर लग गए। उस टाइम के जो टेलीग्राफ सिस्टम थे जिनका यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, वो बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अपने आप चलने लग गए थे। एक देश से दूसरे देश अपने आप संदेश भेजे जा रहे थे और रिसीव किए जा रहे थे, जबकि ना उन मशीन्स को कोई चला रहा था, ना ही वो सप्लाई से कनेक्टेड थी। उस टाइम जितने भी बिजली के इक्विपमेंट थे वो सब पावर से डिस्कनेक्ट कर देने के बाद भी अपने आप चल रहे थे। सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में ऑटोमेटिकली करेंट आ रहा था, और इन बिजली के झटकों की वजह से लाखों लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डैमेज हो चुका था, कहीं पर भी बिजली नहीं थी, और इसी बिजली की कमी की वजह से हॉस्पिटल में भी लाखों लोगों की जान गई। पूरा पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम सब कुछ पूरी तरह से डैमेज हो गया। मतलब ये समझ लो कि उस टाइम की जो एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें थी वो सब काम करना बंद कर चुकी थी, और इन सब घटनाओं की वजह से लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेकिन ये तो थी 1859 की बात। सोचिए 2025 में जब हमारी लाइफ पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर और बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स पर डिपेंडेंट है, तब अगर सोलर फ्लेयर आता है और ऐसी
तबाही मचती है तो हमारा क्या होगा। ये तो खैर एक छोटी मोटी घटना है कि सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपने आप चलने लग गए, मोबाइल फोन में, टीवी की स्क्रीन में, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अपने आप करंट आने लग गया, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो गया, आपके घर की लाइट भी चली गई और आपने इस बात को ज्यादा माइंड नहीं किया। लेकिन आगे जो होने वाला है उससे आप कैसे बचोगे। हमारी धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स हैं और इनकी संख्या है करीब 5000 से ज्यादा। जब सोलर फ्लेयर आएगा तो ये सारी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, इंटरनेट ठप हो जाएगा, जीपीएस बंद हो जाएगा, सारा सिग्नल, सारा कम्युनिकेशन सब खत्म। और इनमें से बहुत सारी सैटेलाइट्स तो अपना कंट्रोल खोकर धरती पर गिरने लगेंगी। और अगर सोचो ये सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा ही पावरफुल हुआ और पूरी 5000 सैटेलाइट्स धरती पर गिरी, तब तो धरती पर आग की बारिश होगी। क्योंकि जब ये सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में एंटर करेंगी तब एयर फ्रिक्शन की वजह से ये किसी एस्ट्रॉइड की तरह जलने लगेंगी और जब ये धरती पर गिरेंगी तो होंगे बड़े बड़े धमाके। आपको मालूम है अगर एक छोटी सैटेलाइट भी धरती पर किसी हिस्से पर गिरती है तो वो सैटेलाइट जहां पर गिरेगी वहां आसपास के 2 शहर तबाह कर देगी। आप सोचो जब 5000 सैटेलाइट्स गिरेंगी आसमान से तब क्या नजारा होगा। ना आपकी मेट्रो ट्रेन चलेगी, ना बुलेट ट्रेन चलेगी, ना आपकी इलेक्ट्रिकल बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स चलेंगे। आप कहीं जाने आने के लायक ही नहीं रहोगे क्योंकि आसमान से सैटेलाइट्स गिर रही होंगी। आप अपने किसी भी इक्विपमेंट को हाथ नहीं लगा पाओगे क्योंकि उसमें करंट दौड़ रहा होगा। इवन आप तो पानी पीने का जो फिल्टर, जो आरओ है, उसे भी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि या तो वो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से चलेगा नहीं या फिर उसमें मौजूद पानी में करंट दौड़ रहा होगा। और इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात ये है कि सोलर फ्लेयर जब धरती पर एंटर करेगा तो उसकी किरणों की वजह से, जो रेडिएशन वातावरण में फैलेगा उसकी वजह से इंसानों को तरह तरह की स्किन की डिसीजेस हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। आप बोलोगे गौरव भाई बस करो, कितना डराओगे। तो चलो ये तो थी डराने वाली बात, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी राहत देने वाली बात कि 2014 में, मतलब 2014 में भी इसी तरह के एक सोलर फ्लेयर की भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी किसी बाबा ने नहीं की थी, नासा के साइंटिस्टों ने ही की थी और ऐसा नहीं है कि वो प्रेडिक्शन गलत था, सोलर फ्लेयर आया था। लेकिन सोच के बताओ कि क्या तुमको याद है कि 2014 में ऐसा कुछ हुआ था कि सैटेलाइट धरती पर गिरने लगी हो, चीजों में करंट आने लगा हो। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ऐसा कुछ याद भी होगा क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि 2014 में जो सोलर फ्लेयर आया था वो बहुत ही कम पावरफुल था। अब आप बोलोगे गौरव भाई ठीक है, 2025 में जब सोलर फ्लेयर आएगा तब आएगा, अभी बता तो दो कि उससे बचने के लिए हम क्या करें। तो आप उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, बस आपको अपने घर के अंदर रहना है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को हाथ नहीं लगाना है और जो इक्विपमेंट बहुत ज्यादा कीमती हो जैसे कि आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप, उन सबको आपको एक जगह इकट्ठा करके संभाल कर रख देना है। और हाँ, हर इक्विपमेंट को जो आपके घर में अवेलेबल है सबको पावर से डिस्कनेक्ट कर देना, सबके प्लग निकाल देना। इससे हो सकता है आपके कुछ इक्विपमेंट्स खराब होने से बच जाएं और साथ ही साथ अगर आप मोबाइल एडिक्ट हो चुके हो सकता है आपका मोबाइल एडिक्शन भी कम हो जाए। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे मन में बस यही बात आ रही है कि हमारा जो स्पेस है वो कितना अनएक्सपेक्टेड है। जो सूरज है जिसकी वजह से धरती पर जीवन है, उसी की वजह से हो सकता है भविष्य में धरती पर तबाही आ जाए और लिटरली ऐसी सिचुएशंस में हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिलहाल अभी आपके हाथ में ये मोबाइल है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, हेल ऑफ ज़ॉम्बीज़ के पार्ट 2 पर हमारा काम चल ही रहा है तो बहुत ही जल्द हो सकता है आपको उसका ट्रेलर देखने को मिले। लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज चालू की है, ऐसे वीडियोस जो आपको हमारी सोसाइटी के डार्क ट्रुथ दिखाएगी। ये सीरीज अवेलेबल है मन की आवाज मोटिवेशन चैनल पर और अभी इस सीरीज के 2 वीडियोस आए हैं, द डार्क ट्रुथ ऑफ कोटा एंड द डार्क ट्रुथ ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इनको देखना जरूर और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आप इस सीरीज में और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो। यार टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।